मैं जो आज वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि डॉग्स में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है स्पेशली रेनी सीजन में कि उनके बॉडी में इचिंग हो जाती है, हेयर फॉल बढ़ जाता है, इचिंग होता है, रैसेस हो जाते हैं बॉडी में, आपको रेडनेस दिखेगा स्किन में। उसका ट्रीटमेंट मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। मेरे डॉग में सेम इशू हुआ है जिसके लिए मैं रीड का यूज़ कर रहा हूँ। ये सबसे फेमस मेडिसिन है। अगर आपके डॉग के बॉडी में इचिंग का इशू है या फिर टिक इशू है, फ्ली इशू है या फिर डर्माटाइटिस का प्रॉब्लम है, सारे मैक्सिमम जितने भी स्किन इश्यूज हैं उसके लिए आप रीड का यूज़ कर सकते हैं। कितना ml यूज़ करना है वो आपको इसमें जो मैनुअल है उसमें आपको लिखा हुआ आता है वो देख लेना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ आपको इसको यूज़ कैसे करना होता है। लेकिन रीड को अप्लाई करने से पहले आपको डॉग को एक बार अच्छे से शैम्पू से बांध कर लेना होता है, देन उसको बॉडी को टॉवल से रिंस करना होता है, सुखाना होता है। हल्का बॉडी में जो है वो नमी रहनी चाहिए, कंप्लीट ड्राई नहीं होना चाहिए। मैंने इसमें आप देख सकते हो करीब 750 ml वाटर है, इसमें मैंने 3 ml रीड मिक्स किया है और मैं अब धीरे धीरे इसे अप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ। इससे डॉग्स के जितने भी डेड हेयर्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। और इस ट्रीटमेंट के साथ आपको एडवांस न्यूट्रीकोड जो मेडिसिन है वो भी आपको देना होता है फॉर बेटर रिजल्ट। अब देख पाओगे स्क्रैच कर रही है अपने बॉडी को। स्टॉप। के बाद आपको बॉडी को वॉश नहीं करना होता है, इसे अप्लाई करने के बाद इसे इसी तरह छोड़ देना होता है। आप इसे आफ्टर 7 डेज आपको सेम प्रोसेस अगेन रिपीट करना होता है।
ये दोस्तों आप देख सकते हो ग्रिड मैंने कम्प्लीटली बॉडी पे अप्लाई कर दिया है और अब आपको वॉश नहीं करना है डॉग को 7 डेज। ये जो मेडिसिन है ये बॉडी पे ही रहेगी और वर्क करेगी, इसका जो वर्क है। आफ्टर 7 डेज अगेन आपको शैम्पू से बात कराना है और सेकेंड टाइम जो इसका एप्लीकेशन है वो आपको इसके बॉडी पे अप्लाई करना है। आप देख सकते हो जो डेड हेयर्स थे वो इसके बॉडी से पूरे निकल गए हैं, मेरे हाथों पे आ गए हैं। आपको इस मेडिसिन को डॉग के बॉडी पे ही ड्राई होने के लिए देना है, वो अपना वर्क 7 डेज तक करता रहेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं अगेन दूसरी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको कोई टिप्स अगेन दूंगा डॉग रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।